वेलकम टू फिल्मी बीट। एक्टर अक्षय कुमार सूर्यवंशी की शूटिंग में बिजी हैं। फिल्म की रिलीज डेट सामने आ गई है। पहले ये फिल्म 2020 में ईद के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब फिल्म की रिलीज डेट को चेंज कर दिया गया है ताकि बॉक्स ऑफिस पर सलमान खान की फिल्म इंशाल्लाह और सूर्यवंशी आपस में ना टकराएं। अब फिल्म 27 मार्च 2020 को रिलीज होगी, लेकिन फिल्म की रिलीज डेट चेंज होने से अक्षय कुमार के फैंस नाराज हो गए थे। उन्होंने ट्विटर पर हैशटैग बायकॉट सूर्यवंशी का यूज करना शुरू कर दिया है। अब एक्टर ने सोशल मीडिया पर फैंस से रिक्वेस्ट की है कि वो सूर्यवंशी के बारे में किसी भी नेगेटिव ट्रेंड को प्रमोट ना करें। अक्षय ने शुक्रवार को ट्विटर पर लिखा है, बीते कुछ दिनों से मैं गौर कर रहा हूं कि मेरे प्रिय लोग नेगेटिव ट्रेंड चला रहे हैं, जो आप हैं, मैं आपके गुस्से को देख सकता हूं, समझ सकता हूं और मैं बस हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर सकता हूं कि ऐसे ट्रेंड्स में आप सब लिप्त ना हो। अक्षय ने नेटिजन से भी फिल्म के प्रति सकारात्मक सोच रखने की अपील की है। बता दें कि अक्षय के फैंस हैशटैग बायकॉट सूर्यवंशी लिखकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। एक यूजर ने तो लिखा है कि सर, ऐसे डिसीजन लेने में आपके ही फैंस फॉलोइंग पर असर पड़ रहा है, सर दिन खराब हो गया। दूसरे यूजर ने लिखा, सर मैं आपको अनफॉलो कर रहा हूं क्योंकि आपने साबित कर दिया कि आपको सिर्फ पैसा चाहिए, आप हमारी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। तीसरे यूजर ने लिखा, मैं सूर्यवंशी नहीं देखूंगा। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ कैटरीना कैफ, गुलशन ग्रोवर और सिकंदर खैर भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसी लगी है आपको ये वीडियो, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।